69वें फिल्मफेयर अवार्ड 2024 के नॉमिनेशन अनाउंस हो चुके हैं। सोमवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर करण जौहर, जानवी कपूर और वरुण धवन ने इस बारे में अनाउंसमेंट किए। इस साल सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर के 2 नॉमिनेशन मिले हैं, एक फिल्म जवान और दूसरा डंकी के लिए। वही रणवीर कपूर स्टारर एनिमल ने इस साल सबसे ज्यादा 19 नॉमिनेशन अपने नाम किए। विक्रांत मैसी स्टारर 12th फेल को भी मेजर कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिले हैं। विद्युत जामवाल और नौरा फतेही की अपकमिंग फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा का पहला गाना दिल झूम रिलीज कर दिया गया। गाने में विद्युत और नौरा की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। बता दें, विद्युत जामवाल फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा में नौरा फतेही के साथ पहली बार नजर आएंगे। फिल्म का पहला गाना रिलीज होने के बाद से उनके फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर साउथ की 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनमें से एक फिल्म सैंधव है जो 13 जनवरी को रिलीज हुई है। सैंधव फिल्म से नवाजुद्दीन सिद्दीकी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने अपना डायलॉग खुद डब किया है। 99 दिनों की शूटिंग शेड्यूल में नवाजुद्दीन ने 25 से 30 दिन शूट किया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 25 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। 3 मिनट के इस ट्रेलर में कई दमदार एरियल एक्शन सीन की झलक मिली है। इसके अलावा दोस्ती और देशभक्ति का जज्बा भी नजर आया है। फिल्म की कहानी देश पर हुए एक टेररिस्ट अटैक से जुड़ी हुई है।